हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज हम एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव है इस एक्सरसाइज में इसमें क्या आपको फाइंड करना है फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस आपको एक्सपेंशन दे रखा है जिसमें आपका जो एक्सपेंशन है ए एक क्या आपको वैल्यू है एक्स बी की वैल्यू क्या है टू और एन की वैल्यू क्या है ट्वेल्व फोर्थ टर्म जब भी हम टर्म की बात करते हैं आपको पता है फॉर्मूला आर प्लस वनथ टर्म यहाँ पे ही लिखते हैं सो so, वो इस टर्म की बात कर रहा है तो वो उसने कंबाइन करके इस चीज़ को लिख दिया है फोर्थ टर्म तो फोर को मैं वापस लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगी थ्री प्लस वन करके लिखूंगी इस तरह से आपको लिखना है ठीक है तो मैं लिखूंगी थ्री प्लस वनथ टर्म जो कि फोर्थ टर्म ही है इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म जो कि पूछ रहा है यही फाइंड करना है आपको तो उसका फॉर्मूला क्या है अब यहाँ पे माइनस है माइनस तो वन की पावर में आर अब यहाँ पे आर की वैल्यू क्या मेरी ऑटोमेटिकली क्या है थ्री निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि यहाँ पे मैंने आर की जगह क्या लिया है थ्री तो डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ थ्री यहाँ पे क्या आपको वैल्यू लिखनी है एन सी आर तो एन की आपकी वैल्यू है ट्वेल्व और सी आर आर की वैल्यू क्या है थ्री तो साथ में चल रहा है आपका ट्वेल्व सी थ्री यहाँ पे क्या है ट्वेल्व सी थ्री अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आपकी आएगी माइनस वन सेवन सिक्स जीरो एक्स की पावर में नाइन वाई की पावर में क्यू तो यहाँ पे ये यह आपका सोल्यूशन है और आपको कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें बस डायरेक्ट दे रखा है आर की वैल्यू कैसे है और वो आर प्लस वनथ टर्म की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करनी है सेम क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसी तरह से है थर्टीनथ टर्म निकालनी है आपको इस एक्सपेंशन में ए की वैल्यू नाइन एक्स बी की वैल्यू ये दे रखी है वन अपॉन रूट थ्री रूट एक्स आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे ट्वेल्व होगी क्यों क्योंकि थर्टीनथ है तो थर्टींथ मतलब आर प्लस वनथ टर्म की बात कर रहे हैं और इसको मैं थर्टीन की फॉर्म में कैसे लिख पाऊंगी ट्वेल्व प्लस वन तो बिल्कुल ये मैंने वैसे करके आपको बताया हुआ है सिंपल आपको आर की वैल्यू क्या डालनी है ट्वेल्व ए भी आपको दे रखा है इस एक्सपेंशन में सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस अब आपको मिडिल टर्म का फॉर्मूला मैंने सबसे स्टार्टिंग 8.2 एक्सरसाइज में बताया था कैसे फाइंड आउट होता है कैसे होता है जो भी आपको एक्सपेंशन गिवन होती है उसकी आपको पावर चेक करनी होती है अगर आपकी पावर इवन है तो आपका फार्मूला होता है एन बाय टू प्लस वन एथ टर्म इवन के लिए और अगर ऑर्ड आए पावर एन की तो आपका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन बाय टू एथ फॉर्मूला टर्म दो बनती हैं एंड एन प्लस थ्री बाय टूए टर्म तो अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है मेरी सेवन है जो कि ऑर्ड है मतलब दो टर्म्स हैं मेरे पास आएंगी मिडल टर्म्स क्या आ रही है मेरे पास एन क्या है मेरे पास सेवन प्लस वन बाय टूए टर्म एंड सेवन प्लस थ्री अपॉन टूल्थ टर्म ठीक है अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे सेवन प्लस वन एट बाय टू एंड इधर करेंगे सेवन प्लस थ्री टेन बाय टू इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म अब टर्म की बात आपको समझ आ रही होगी जैसे भी हम यहाँ पे बात कर रहे थे थर्टीन टर्म तो आपने कैसे ब्रेक किया था थर्टीन को आर प्लस वन की फॉर्म में ट्वेल्व प्लस वन सेम अब आपके पास दो टर्म्स हैं एक एक्सपेंशन में ओपन करने के लिए पहले आप फोर्थ टर्म को ओपन करेंगे एंड फिफ्थ टर्म को ओपन करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तो आप जब इसको ओपन करके लिखेंगे दो टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो फोर्थ के लिए फोर्थ है आपके पास और फिफ्थ टर्म है इसको आप कैसे लिखेंगे आर प्लस वन के फॉर्म में थ्री प्लस टर्म और इसको कैसे लिखेंगे फोर प्लस टर्म आर आपका क्या है यहाँ पे थ्री यहाँ पे आर आपका क्या है फोर बाकी टी आर प्लस वन नॉर्मल ओपन होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव वो आपको चेक करना है आपके एक्सपेंशन नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस वन आर एन सी आर ए एन माइनस आर एंड बी आर फॉर्मूला लगेगा दोनों क्वेश्चंस में और मैं आपको लिख देती हूँ ये सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा दो टर्म्स का सो so, इस तरह से आपको क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं थैंक यू स्टूडेंट्स होप यू लाइक माय वीडियो